झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी तथा देश भर की मंडियों में तिलहनों की आवक काफी कम रहने के बीच बीते सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों की कीमतों में सुधार दिखा, जबकि तेल रहित खल यानी कि DOC की मांग कमजोर होने और आयात सस्ता बैठने से सोयाबीन तेल तिलहन के भाव हानि दर्शाते बंद हुए। बाजार सूत्रों का कहना है कि किसान नीचे भाव पर बिकवाली से बिक्री से बच रहे हैं, जबकि पिछले 4-5 महीनों में मूंगफली तेल के भाव लगभग 20% तक घट गए हैं। इसके साथ विदेशी बाजारों में तेजी रहने की वजह से समीक्षाधीन सप्ताह में मूंगफली तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया। बीते सप्ताह मूंगफली की वजह से बिनौला तेल की कीमतों में भी सुधार आया था। सूत्रों का कहना है कि जाड़े के मौसम के कारण देश में कच्चा पाम तेल यानी कि CPO और पामोलिन की मांग कम है। मलेशिया ने इन तेलों के दाम इस कदर बढ़ा रखे हैं कि आयात के बाद CPO पामोलिन का भाव हल्के तेल में गिने जाने वाले सोयाबीन डिगम से भी महंगा बैठता है। CPO पामोलिन के भाव में इस वृद्धि के कारण सुधार दिख रहा है, जबकि बाजार में मांग काफी कम है। बेपरता कारोबार की वजह से पामोलिन के भाव में भी सुधार है। हालात ये हैं कि CPO का प्रसंस्करण कर तेल बनाने की लागत कहीं ऊंचा पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद CPO का भाव पामोलिन से अधिक है। सूत्रों का कहना है कि सरसों की उपलब्धता काफी कम रह गई है। सप्ताह के दौरान कोटा सलोनी वालों ने सरसों का दाम 8,250 रुपए से बढ़ाकर लगभग 8,500 रुपए क्विंटल कर दिया। देश में 5,000 से 7,000 की संख्या में सरसों की छोटी पेराई मिले हैं और ये मिले खुदरा ग्राहकों को माल बेचती है। इनकी प्रति मिल औसत दैनिक मांग 5 से 15 बोरी के लगभग है। सरसों खल की मांग होने से इसके दाम में पिछले सप्ताह कुल 150 रुपये क्विंटल की वृद्धि हुई। उपलब्धता कम होने के साथ मांग बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में सुधार आया है। सूत्रों का ये भी कहना है कि समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन तेल तिलहन में गिरावट देखने को मिली। इसकी मुख्य वजह सोयाबीन के तेल रहित खल DOC की मांग का कम रहना है। सोयाबीन की पेराई के बाद की लागत में वृद्धि होने के मुकाबले सोयाबीन डिगम तेल का आयात करना कहीं फायदेमंद साबित हो रहा है। पिछले सप्ताह सरकार ने सोयाबीन डिगम का आयात शुल्क मूल्य भी कम किया है। इसके साथ ही भाव बेपरता बैठने से सोयाबीन तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट है। उनका ये भी कहना है कि अधिकतम खुदरा मूल्य के संदर्भ में भी सरकार को लगातार निगरानी रखनी चाहिए और शुल्क कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को दिलाना सुनिश्चित कराना होगा। इस अवधारण को जमीनी हकीकत बनाने के लिए सरकार को फिर से सर्वे करने चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियां अब भी ग्राहकों से ऊंचा दाम ले रही हैं। सूत्रों ने उदाहरण देते हुए बताया है कि सोयाबीन डिगम और सूरजमुखी का आयात करने का भाव मामूली अंतर के साथ लगभग एक समान है, लेकिन स्थानीय खुदरा बाजार में सूरजमुखी तेल सोयाबीन के मुकाबले लगभग 20% कैसे ऊँचा बिक रहा है। उल्लेखनीय है कि लगभग 97% सूरजमुखी तेल का यूक्रेन से आयात किया जाता है। खुदरा बाजार में यही हाल सरसों तेल और मूंगफली तेल का भी है। इसकी सख्त निगरानी करना जरूरी है, क्योंकि MRP का नाजायज फायदा बड़ी दुकानें, बड़े मॉल्स और परचून विक्रेता उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।